رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله today we will begin 20th session of golden stories of Umar ibn Khattab رضي الله عنه. We are on page number 170. Am I audible? Continue karte. Knowing how to do things. Umar ibn Khattab رضي الله عنه employed some people and did not employ others who were of greater virtue than them, because the former knew how to do things. In this case, those whom Umar رضي الله عنه passed over were better in terms of religion and piety and better in character. But their experience in running affairs was less than that of the others. It was not essential to combine both factors. अभी ऐसा था कि हमने देखा उस वक्त भी कि उमर इब्न खताब रदिल्लाहु अन्हु जो है वो कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं. अभी हम देख रहे हैं कि वो किन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. एक तरफ वो लोग थे जो कि अच्छे इखलाक के थे, अच्छा उनका कैरेक्टर था, ज़्यादा मुत्तकी थे, ज़्यादा दीनी थे, और एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके अंदर स्किल्स था, दे कैन डू द जॉब बेटर. तो उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु अन्हु ने, क्योंकि वो जॉब की डिमांड क्या थी, उस जॉब की डिमांड थी कि द पर्सन शुड बी स्किल्ड, शुड बी केपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो उन्होंने उस चीज़ को तरजीह दी. द प्रिंसिपल विच वॉज सेट आउट बाई उमर रदिल्लाहु अन्हु स्टिल फॉलो टूडे इन द मोस्ट एडवांस नेशंस, वेर अ मैन ऑफ रिलीजियस पाइटी एंड गुड कैरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट इज मोर लाइकली टू बी ensnared by the tricks of those who follow their lusts and desires. However, the one who is astute and experienced will grasp things quickly and understand what is behind the spoken word. This is the very reason why Umar radiallahu anhu would avoid assigning a man who did not know anything about evil. He asked about a man whom he wanted to make an agent, and he was told, O leader of the believers, he does not know anything about evil. Umar radiallahu anhu said to the man, vote him, he is more likely to fall into it. This is not one of the characteristics required for administration and ruling. Rather, the criterion for determining who is best suited for this field and has the most knowledge of how to do the job. तो ये जो तरीका कार या जो प्रिंसिपल उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु अन्हु ने बनाया था कि द बेस्ट मैन फॉर द जॉब इज द वन हु नोज द जॉब, जिसके पास वो काम करने की सलाहियत हो, स्किल हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अभी हमारे रोज़मर्रा के एग्जांपल से लूँ, अपनी लाइफ से लूँ, जो कि हम एज अ हाउसवाइफ्स अक्सर फेस करते हैं ये सिचुएशन को, एटलीस्ट हियर इन कुवैत. हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं खदमाओं के, एक वो जो मुस्लिम होती है और एक वो जो नॉन मुस्लिम होती है. हम लोग जो है तरजीह देते हैं कि नहीं, अपने लोगों को एम्प्लॉय करा जाए, हालांकि जो मुस्लिम मेड है वो काम ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं करती या नहीं जानती, लेकिन हम उसको दरगुजर करते हैं ये सोच कर कि हम अपने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उनको रिस्क बेदनला प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. एंड वो मेरी भी थिंकिंग थी कई बार, आई यूज़ टू फिगर आउट, या मैं सोचती थी कि ये क्यों, इधर भी कुवैत में भी आई यूज टू सी कि वाई डू दे डू दैट, वाई डोंट दे गिव प्रिविलेज एंड प्रेफरेंस टू मुस्लिम्स, हमेशा हमारे जहन में क्वेश्चन होता है. लेकिन उसके पीछे की विजडम हमें समझ आती है अभी कि यही है वो विजडम बेसिकली, कि एक तो ये है कि वो बंदा इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, अगर वो जॉब को अच्छी तरह जानता है, उसमें ज़्यादा सलाहियत है, तो हमें किसको तरजीह देनी है, उसकी सलाहियत को, बिकॉज दैट जॉब डिमांड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल्स और मार्केटिंग का जॉब है, और हम लोग जो हैं ये सोच कर दें कि कोई कुरान हाफिज है, कोई इमाम है, बिकॉज ऑफ हिज पाइटी एंड हिज रिलीजियस नॉलेज हम कहेंगे कि हम इसको ये जॉब देते हैं. हालांकि वो इमाम और हाफिज जो हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, ही विल नॉट नो हाउ टू डू द सेल्स टॉक. उनमें वो सेल्स पर्सन, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाले जो आई वुडंट से नेगेटिवली, बट वो कनिंगनेस एंड स्मार्टनेस नहीं है, वो बड़े सादे से हैं, उनकी जबान, उनकी सोच बड़ी सादी है, दे आर सूटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब. तो हम ये सोच कर कि हम हमारे मुस्लिम भाई को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह राजिक है, अल्लाह विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू एवरीवन, अल्लाह इज देयर एज अ मुदब्बिर, एज अ मालिक, एज अ खालिक, वो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है. लेकिन हमारी सोच, क्योंकि हमारे पास ये इल्म नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं आउट ऑफ गुड फेथ, उसमें बुराई नहीं है,
दिस इज हाउ वी थिंक. लेकिन हर चीज को करने का एक तरीकाकार होता है. तो हमारे पास इसलिए ये रोल मॉडल्स हैं कि हम इनको देखें, इनको समझें, इनको जानने की कोशिश करें कि इन्होंने सर्टेन डिसीजंस क्यों लिए हैं, उसके पीछे की विजडम क्या है, एंड दैट इज द होल आइडिया. तो उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु इज स्टेटिंग दैट के स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन विल हैव प्रेसिडेंस ओवर हिज रिलीजन एंड हिज फेथ एंड हिज पाइटी. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इमाम और हाफिज जो हैं वो एक अच्छे सेल्स पर्सन साबित नहीं होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक नॉन मुस्लिम जिसके अंदर वो चालाकियां हैं, ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, ही कैन सेल, ही कैन टॉक, उसको आप जॉब दें. उसी तरीके से जैसे मैंने आपको खदामा का एक्सप्लेन किया है, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मुस्लिम है, ये रिवर्ट मुस्लिम है, इसको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये वो. नो, जो वो नॉन मुस्लिम है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है इन टर्म्स ऑफ स्किल, तो आप उसको जॉब पे रख सकते हैं. द प्रिंसिपल विच वॉज सेट बाय उमर रदिल्लाहु वो आज तक फॉलो किया जाता है एडवांस नेशंस में, के तकवे के हिसाब से, दीन के हिसाब से, अच्छे अखलाक के हिसाब से एक्सपीरियंस ना हो उस बंदे को उस जॉब का, तो आप उसको उसके वो पॉजिटिव क्वालिटीज की वजह से उसको तरजीह नहीं देंगे. क्योंकि ऐसा होगा कि क्योंकि उनमें स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, तो कोई भी उनको जो है उल्लू बना सकता है, कोई भी उनके लिए कोई प्लॉट्स या ट्रिक्स कर सकता है, और वो जो मासूम इनोसेंट लोग हैं, नाइव लोग हैं, वो उसमें फंस सकते हैं. तो द एंटायर सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड, द एंटायर वर्क, द इंस्टीट्यूट कैन गेट हार्म. तो ये हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद है पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. एक बार ऐसा हुआ, उमर रदिल्लाहु जो है वो एक आदमी को ऐसा जॉब असाइन नहीं करते जो बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल सादा सा होता है, क्योंकि उस सादे बंदे को दुनिया की खराबियों के बारे में पता नहीं है. तो हो सकता है कि वो उन खराबियों के अंदर ला इल्मी की वजह से फंस जाए, तो ही यूज टू अवॉइड इट. और वो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी एक्सप्लेन किया, ही जस्टिफाइड व्हाई इज ही डूइंग दैट, के बहुत लाइकली है, हो सकता है कि ये इनोसेंट सादा आदमी उस ईविल के अंदर फंस जाए. और ये जो रिक्वायरमेंट है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसकी जो प्रॉपर एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है ना, उसके अंदर इनकी इनोसेंस के वजह से सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है. तो इसीलिए उन्होंने उस जो सादे से आदमी था जिसकी इस्लामिक नॉलेज ज़्यादा थी और जो मुत्तकी थे, उनकी जगह पे दूसरे बंदे को प्रेफर किया जो के जॉब को, एडमिनिस्ट्रेशन को और रूलिंग को और ईवल्स को और प्लॉट्स को. ये जो ईवल प्लॉट्स हम बात कर रहे हैं ना, इसे हम इन सिंपल लैंग्वेज एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, कि वो बंदा जिसे पता है कि दुनिया के उतार चढ़ाव क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ क्राइसिस हैपन, इफ ट्रॉमा हैपन, व्हाट टू डू, तो उसको डूज एंड डोंट्स का अच्छी तरह से पता है, तो वो बंदा बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है रादर देन समवन जिस जो कोई उस पर कभी एक्सपोज हुआ ही नहीं. His father was more beloved to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. On one particular occasion when Umar radhiyallahu anhu had at his disposal a large quantity of wealth, he gave Usama bin Zaid radhiyallahu anhu a share of 4000 dirhams. Meanwhile, Umar radhiyallahu anhu gave his own son Abdullah radhiyallahu anhu a share of only 3000 dirhams. Abdullah radhiyallahu anhu went to Umar radhiyallahu anhu and said, "Oh my father, you gave Usama radhiyallahu anhu a share of 4000 while you gave me a share of only 3000. Ek bar aisa hua ki Umar radhiyallahu anhu ne ek wealth ko wo jo baant rahe the, dispose kar rahe the, to unhone Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ko 4000 dirham diya aur apne bete Abdullah radhiyallahu anhu ko sirf 3000 dirham diya. तो अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु ने उनसे तकाजा किया कि आपने उसामा को 4000 दिया और आपने मुझे 3000 क्यों दिया. एंड येट हिज फादर वॉज नॉट सुपीरियर टू यू एंड हिज सन इज नॉट सुपीरियर टू मी, दैट इज हिज नॉट नोन फॉर सेक्रीफाइसेस दैट आई डिड नॉट मेक एज वेल. उमर रदिल्लाहु अन्हु रिप्लाइड, वेरीली हिज फादर वॉज मोर बिलव्ड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन योर फादर वॉज, एंड ही दैट इज उसामा रदिल्लाहु अन्हु वॉज मोर बिलव्ड टू मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन यू वर. इस पर उमर रदिल्लाहु अपने बेटे को ये समझाते हैं कि उन्होंने ये फ़र्क इसीलिए किया क्योंकि उसामा के वालिद जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बिलावर थे और उसामा जो है वो भी उनको बहुत बिलावर थे, तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस को नहीं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चहीते थे, तो इसीलिए उमर इब्न खत्ताब ने भी उनको तरजीह दी। यानी आप देखें इनकी मोहब्बत और इनका एहतराम और इनकी अतात करना का जो एक क्वालिटी है, या हर एक एंगल में वो किस तरीके से अपने आप को एक्सेल करते थे। यानी बिकॉज दिस सहाबा एंड हिज फादर वर बिलव्ड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दिखती बात है कि उसामा रदिलानहु और उनके फादर रदिलानहु उमर इब्न खत्ताब रदिलानहु से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नहीं होंगे, लेकिन चूंकि उमर इब्न खत्ताब रदिलानहु को पता था कि ये उनके चहीते थे, ही इज़ नॉट कंपेयरिंग और ही इज़ नॉट ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, ही इज़ ओनली थिंकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ कि ये लोग उनको बिलावट थे, इसलिए मुझे भी इनको एक्स्ट्रा करना चाहिए, आई हैव टू मेनटेन दैट स्टेटस कि ये लोग बिलावट थे। यानी सुभान अल्लाह, ये बहुत टेक्निकल डिटेल है, अगर हम इसकी बारीकी में जाएँ तो वी विल लूज अवर माइंड्स कि या किस एंगल या किस टेंजेंट पे ये लोग सोचा करते थे कि सुभान अल्लाह, क्योंकि उनके वो चहेते थे तो हमारे भी वो चहेते होने चाहिए और हमें उन्हें वो दर्जा देना चाहिए अपने से भी ऊपर। हत्ता के उमर इब्न खत्ताब कुछ कम चहेते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं थे, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर दैट वन फैक्टर कि इनको प्रेफरेंस दिया जाए, वाई ओनली बिकॉज दे वर बिलव्ड टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सपेलिंग द फीलिंग ऑफ एरोगेंस, उर्वा बिन ज़ुबैर रदिल्लाहु अन्हु रिलेटेड दैट अपॉन वन सीइंग उमर रदिल्लाहु अन्हु कैरिंग अ कंटेनर ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर, ही अप्रोच्ड हिम एंड सेड, ओ लीडर ऑफ द बिलीवर्स, यू शुड नॉट डू सच वर्क। उमर रदिल्लाहु अन्हु रिप्लाइड, व्हेन मेनी डेलीगेशंस ऑफ पीपल केम टू मी प्रॉमिसिंग टू लिसन एंड ओबे माई ऑर्डर्स, अ फीलिंग ऑफ एरोगेंस क्रेप्ट इनसाइड ऑफ मी, सो आई वॉन्टेड टू सबड्यू ओवर मास्टर एंड एक्सपेल दैट फीलिंग by doing this menial and labor intensive task. Subhanallah, behtareen tip hai ye, apne andar kabhi agar koi takabbur aaye ya apne andar kisi bhi tarike ka wo ek pride ki feeling aa jaye to usko kaise nullify kiya jaye. Subhanallah. Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu kehte hain ki ek bar Umar radhiyallahu anhu jo hai ek pani ka container apne kandhon par utha ke lekar aa rahe the, to unhone unko kaha अमीरुल मोमिनून आप ये क्या कर रहे हो, आपने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उमर रदिल्लाहु अन्हु ने कहा कि बहुत सारे डेलीगेशन आए थे बाहर से मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने वादा किया कि वो मुझे मेरी बातों को सुनेंगे, मेरे ऑर्डर्स पे कमांड पे फॉलो करेंगे, तो मेरे अंदर एक छोटी सी तकब्बुर की फीलिंग आ गई थी। तो कहते उसको हटाने के लिए, उसको एक्सपेल करने के लिए मुझे ये छोटा काम करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं अपनी, कहते हैं ना, अपने आप को रियलाइज कराऊं कि व्हाट इज़ माय हैसियत, व्हाट इज़ माय औकात, आई एम नॉट सपोज टू हैव प्राइड इन एनीथिंग। सुभानअल्लाह, मेनी अ टाइम्स वी आर फॉलिंग इनटू ऑल दिस, बट क्या हम लोग वो स्टेप्स लेते हैं अपने आप को नलीफाई करने के लिए, या हम लोग वही प्राइड और एरोगेंस में घूम रहे होते हैं? मे अल्लाह फरगिव अस ऑल, मे अल्लाह फरगिव अस ऑल या रब। सलीत रदिल्लाहु अन्हा इज मोर डिजर्विंग ऑफ इट। सलाबा बिन अबी मालिक रिलेटेड दैट On one particular occasion, Umar bin al-Khattab radhiyallahu distributed clothing among the female inhabitants of Medina, and that when every woman received her share of the clothing, three remained a single outfit, an outfit that happened to be of decent quality. Some people who were with Umar radhiyallahu at the time said, "O leader of the believers, give this to the daughter of the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, that is with you. That is Kulsum radhiyallahu anha." Who was the granddaughter of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the wife of Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu replied, Salit radhiyallahu anha is more deserving of it. Salit radhiyallahu anha was one of the Ansari women who pledged to obey and follow the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, explaining at least one reason why Salit radhiyallahu anha was more deserving of the outfit. Umar radhiyallahu anhu said, verily she radhiyallahu anha would draw out and carry containers of water for us on the day of Uhud. Ab aisa hua ke Thalaba bin al Malik batate hain ki ek aise occasion pe Umar radhiyallahu anhu jo hain wo kuch kapde auraton ko Madina ki auraton ko distribute kar rahe the aur sari auraton ko unka apna share mil gaya tha. Aakhir mein teen single outfit reh gaye the aur wo thode acche quality ke the, thoda decent quality ke the. तो सब लोगों ने उमर रदिल्लाहु अन्हु को कहा कि आप जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हैं कुलसुम रदिल्लाहु अन्हा,
जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रैंड डॉटर हैं और उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु अन्हु की वाइफ हैं, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप उनको दे दें। तो उमर रदिल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि इनसे ज़्यादा कौन वो चीज़ को डिज़र्व करता है। उनने कहा उम सलीत रदिल्लाहु अन्हा, और वो एक अंसारी वुमन थी जो कि जिन्होंने प्लेज लिया था, ओके, शी हैड टेकन द बैथ कि वो ओबे करेंगी कमांड्स और फॉलो करेंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर उन्होंने आगे और उसको जस्टिफाई किया कि जंगे उहद में वो जो हैं पानी निकाल के जो सोल्जर्स थे उनको सर्व कर रही थी। सो शी वॉज ऑफ गुड यूज़। पहले तो शी एक्सेप्टेड इस्लाम, उसके बाद शी फॉलोड इट, शी ओबेड द कमांड, और उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी जंग में दिया। तो मोर देन द ग्रैंड डॉटर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोर देन हिज वाइफ, खलीफा की वाइफ होने के बावजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रैंड डॉटर होने के बावजूद, ज़्यादा हक उस अंसारी औरत का है बिकॉज शी हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कॉज ऑफ इस्लाम। सुभान अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह। Anas narrated once with Umar, who entered into a garden and a wall came between me and him, and I could hear his voice, O son of Khattab, have fear of Allah, otherwise you will be punished by him. Ek bar Anas radhiyallahu anhu batate hain ki wo Umar radhiyallahu anhu ke sath ek garden mein enter kiye aur unke beech mein ek deewar aa gayi, lekin wo unki aawaz sun sakte the. To unhone kya suna? Unhone ye suna कि उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं, अपने आप को ही वो याद दहानी करते रहते हैं कि ए खत्ताब के बेटे, अल्लाह से डरो वरना तुम्हें वो सज़ा देंगे। यानी कुछ भी हो, कुछ भी प्लेजर वाली एक्टिविटी हो या कोई टेंस्ड वाला माहौल हो या कुछ भी हो, कहीं पे भी उनके दिल में किसी भी तरीके की कोई फीलिंग ना आए, कोई एरोगेंस, कोई प्राइड, कोई नेगेटिविटी, कोई भी इस तरीके से ना आए, वो बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला विल पनिश यू। यानी ये एक एक्टिविटी हम लोगों को भी अपने साथ बार बार करनी चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट इट इन आवर हेड, इन आवर हार्ट्स, वी शुड वर्बली कोट इट। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि इत्तकिल्ला, हमें अल्लाह से डरना है और हमें हमारे एक्शंस के ऊपर चेक रखना है, बिकॉज वी विल नेवर नो unknowingly, unintentionally, शैतान के वसवस में आके नौज़ बिल्ला हम क्या क्या कर जाते हैं। हमारी ज़बानों से, हमारे हाथ से, हमारे नियतों से हम बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं। सो मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, बट दीज आर द थिंग्स दैट दे यूज़ टू डू, एंड इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो ट्राई टू कॉपी देम। और इससे हमें फ़ायदा ही होगा, बिकॉज सुभान अल्लाह इन्हें फ़ायदा हुआ है बेइज़्निल्लाह, तो हमें भी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एडवाइस। Asim bin Bahdala narrated that a close friend of Umar's mentioned that he was sitting with Umar when the prayer time began. They smelled an odor. So Umar said, whoever has broken his ablution should go and redo it. Jarir bin Abdullah said, O leader of the believers, we should all go and perform wudu so as not to expose that individual. Umar accepted his advice and they all went to redo their wudu. Abhi dekhiye, wo khalifa hai, Amirul Mominun hai, लेकिन दूसरों की एडवाइस लेने के लिए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे या अपनी प्राइड या अपनी इज्जत के ख़िलाफ़ उसको समझते थे। अभी ऐसा हुआ कि आसिम बिन बदला कहते हैं, जो उमर रदिल्लाहु के क्लोज फ्रेंड थे, कि हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे और सलाह का वक्त हुआ, फिर एक स्मेल आई उन लोगों को, तो उमर रदिल्लाहु ने कहा कि जिसका भी वज़ू टूट गया है वो जाकर वज़ू परफॉर्म करे और फिर दे विल कंटिन्यू देयर सलाह। तो जरीर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ओ अमीरुल मोमिनून, हम लोग सारे इकट्ठे जाते हैं वज़ू करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग यानी एक्सपोज करें किसी इंडिविजुअल को और उसको शर्मिंदगी हो, यू नो। तो उमर रदिल्लाहु ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट किया, उनकी सलाह को, और वो इकट्ठे सारे गए वज़ू करने के लिए। और फिर उन्होंने वो बंदे की जिसका वज़ू टूट गया था उसकी इज़्ज़त को पामाल नहीं किया। सुभान अल्लाह, लुक एट अस, वी मॉक ईच अदर, हम लोग बुली करते हैं, हम वर्ड्स और जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे की इज्जतों को अपनी वर्ड्स से, अपने हाथों से पामाल करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितनी छोटी सी बात है, इट्स अ क्वाइट नेचुरल थिंग। और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने वो हया से अपनी कवर कर दिया उसको, अपने एक एक अमल से कितनी अच्छी तरह से उस
बंदे की इज्जत को तार तार होने से बचा दिया. हालांकि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन सुभान अल्लाह ये लोग कितने केयरफुल थे, कितने कॉन्शियस थे, कितना एक दूसरे की इज्जत को संभाल के रखते थे. और हम लोग हर आए दिन, हर पल अनोइंगली अनइंटेंशनली एक दूसरे की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहे होते हैं. हमारे वर्ड्स से, हमारे थॉट्स से, हमारे एक्शन से, हमारी नियतों से, हमारे जेस्चर्स से, हम हर बार एक दूसरे को ख़राब करने के पीछे पड़े होते हैं. उनकी इमेज, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनका ऑनर. मे अल्लाह फॉरगिव अस एंड मे अल्लाह गिव अस दिस तौफीक एंड हिदायत कि हम भी इसी तरीके से इतनी बारीकी से अपने भाई बहनों की इज्जत को भी ढके रहें. Umar's dealings with the Prophet's wives. Umar radhiyallahu anhu was exceptionally kind towards the Prophet's wives, caring for them more than one might care for one's mother, sister or daughter. Whenever he radhiyallahu anhu had food, he would send some of it to them. Recalling Umar's generosity towards her and towards the other wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha said, when Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu would send us our share of food, he radhiyallahu anhu would send us the heads and calves of slaughtered animals. That is, he radhiyallahu anhu would send us the best parts of slaughtered animals. And in general, whenever Umar radhiyallahu anhu would distribute wealth, he radhiyallahu anhu would not forget the right that the mother of the believers had over him. He radhiyallahu anhu would send them generous amounts of wealth, always concerned for their well-being and always making sure they were well cared for. Umar radhiyallahu anhu jo hai wo bahut zyada khayal rakhte the Nabi sallallahu alaihi wasallam ki jo wives hoti thi, bahut zyada unka khayal rakhte the. Apni beti aur mother aur daughter se bhi aur behan se bhi zyada. Azan ho rahi hai, we'll just take a break for a while. Okay, to jo koi apni एक माँ की, अपनी एक बहन की, एक बेटी की जितनी केयर करता था, उससे भी ज़्यादा उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उनकी उनका ख्याल रखा करते थे. जैसे कि कभी कोई उनको फूड वो पहुँचाते थे तो बेस्ट शेयर बेचते थे उनको, जैसे कि सीरी और काफ्स जो होती है ना, जो बेस्ट मीट हो जिसमें और बहुत फ़ायदेमंद हो, तो वो सारे पार्ट्स उनको देते थे. उसके बाद जब उनको वेल्थ भी दिया करते थे तो बेस्ट हिस्सा उनको देते थे, उनके लिए बहुत गनी थे, बहुत जेनरस थे. और ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नरेट कर रही हैं, बिकॉज ही वॉज सो केयरिंग, सो कंसर्न, अपने लोगों से, अपनी औरतों से ज़्यादा उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स की कंसर्न रहती थी. इफ़ उमर रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज जेनरस टूवर्ड्स द मदर ऑफ द बिलीवर्स, ही रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देम. यानी सिर्फ प्रोवाइड करना काम नहीं होता, जैसे कि हम सोचते ना अक्सर कि ये पेरेंटिंग को ही अगर मैं इसके साथ लिंक करूं तो, कि डैड्स जो हैं वो पैसे कमा कर लाएं और उनके लिए फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उनको प्रोवाइड कर दें जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, ये काफ़ी नहीं होता. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वन कवाम उन रजालों का हम मैटर लेना, उसके अंदर होता है पैसे प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, उसमें केयर और कंसर्न होता है, उसमें प्रोटेक्शन होती है, उसमें नर्चरिंग होती है, उसमें तरबिया होती है, उसमें स्पेंडिंग टाइम, क्वालिटी टाइम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, मेंटल प्रेजेंस, कनेक्टिविटी साइकोलॉजिकली, कनेक्टिविटी स्पिरिचुअली एंड एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कंटिन्यूसली बीइंग देयर एज अ गार्ड, कंटिन्यूसली बीइंग देयर एज अ मेंटर, प्रोटेक्टिंग देम डे इन एंड डे आउट. दैट इज द रोल. ना कि सिर्फ ये कि पैसे प्रोवाइड कर दिए. सुभान अल्लाह, आजकल तो कुछ पैसे भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरगेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, वो उनको उनके अल्लाह हवाले छोड़ दिए, अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को. आप सोचें, जो महरम है या जो आपके मेंटेनर्स हैं, अगर वो आपको इस तरीके से छोड़ देते होंगे, हालांकि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी रखी है जो उनको करना है, और वो अपनी इस ड्यूटी से अपने आप को खुद ही बरी जिम्मा कर लें, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह की पकड़ किस तरीके से उन पर आएगी और किस तरीके से इनके जो अंडर डिपेंडेंट्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं. मे अल्लाह हेल्प देम, ऑल दिस वुमेन एंड ऑल दिस चिल्ड्रन जिनको एक प्रॉपर महरम का शेड नहीं मिल रहा, मे अल्लाह हेल्प देम एंड सॉर्ट देयर मैटर्स एंड मेक देयर लाइव्स ईजी. और जो मेल महरम कैरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, तौफीक दे कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करें. अभी आप देखें
उमर इब्न खताब रदिल्लाहु अन्हु हाउ मच एक्स्ट्रा ही इज डूइंग, यानी प्रोवाइड करना उनको फूड के लिहाज से, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में गिविंग देम द बेस्ट शेयर, जेनरोसिटी, उसके बाद प्रोटेक्शन कैसे करते थे वो हम देखते हैं अभी. द प्रॉफिट्स वाइव्स वर ऑल वेरी इनोसेंट एंड पायस एंड येट एस उमर रदिल्लाहु अन्हु सर्टनली रिमेंबर्ड दैट डिड नॉट स्टॉप द हिपोक्रेट अब्दुल्ला बिन उबै फ्रॉम स्लैंडरिंग आयशा रदिल्लाहु अन्हा. दस उमर रदिल्लाहु अन्हु वुड डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू सेफगार्ड द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट्स वाइव्स. सो व्हेन द प्रॉफिट्स वाइफ आस्क्ड उमर रदिल्लाहु अन्हु टू ग्रांट देम परमिशन टू परफॉर्म हज, ही डिनाइड देयर रिक्वेस्ट. अभी हमने देखा जब हम अरही कल मख्तूम कर रहे थे कि कैसे अब्दुल्ला बिन उबै जो मुनाफिक था और उसने आयशा रदिल्लाहु अन्हा को कैसे बदनाम करने की कोशिश की थी, स्लैंडर किया था, और ये जितनी भी वाइव्स थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सब बहुत नेक थी, मुत्तकी थी, इनोसेंट थी, लेकिन फिर भी ये जो ईविल लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लूपहोल निकाल ही लाते हैं किसी को स्लैंडर करने के लिए, बदनाम करने के लिए. तो उमर रदिल्लाहु अन्हु वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड बहुत कॉन्शियस एंड केयरफुल. उनकी फार साइटेडनेस, उनका कैलकुलेशन, उनका इंटेलेक्चुअल बहुत ज़बरदस्त थी. तो अभी चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे एंड ही इज़ काइंड ऑफ एन इंचार्ज, तो वो बहुत केयरफुल होते थे कि कोई भी ऐसा लूप होल ना छोड़े जहाँ पर कोई ईविल लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाएं. तो जब कभी भी ये वाइव्स अपनी हसरत जताती थी कि उन्हें जाना है हज के लिए, तो वो उनकी परमिशन को डिनाई कर देते. Then when they continued to implore him for permission, he met them halfway saying to them, I will grant you permission to go to the following year and yet even that is something I do not truly agree with. The following year, Umar radhiyallahu anhu sent Uthman bin Affan radhiyallahu anhu and Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu to accompany the mothers of the believers during their pilgrimage. And Umar radhiyallahu anhu gave both of them strict orders. One of them was to walk ahead of the Prophet's wives and the other was to walk behind them. They were not allowed anyone to walk alongside the Prophet's wife. When they had to stop to set up camp, they were to set up camp on a mountain pass, an enclosed area. As long as the Prophet's wife rested inside of the mountain pass, they were to stand guard at the entrance of the mountain pass. They were to allow no one to enter upon the Prophet's wives, and when the Prophet's wives performed tawaf around the Kaaba, they were to forbid all men from performing tawaf at the same time. Ab aap dekhe, ek puri strategy unhone banayi hai. A complete strategy to be followed. उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने deny कर दिया, request को reject कर दी कि आप लोग हज के लिए नहीं जा सकते. फिर जब उन्होंने दोबारा तकाजा किया तो उन्होंने उनको permission grant की, और इस तरीके से permission grant की कि दो लोग उनको accompany करेंगे, एक उस्मान बिन अफान रदियल्लाहु अन्हु और एक अब्दुलरहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु, और एक जो है वो उनके आगे गार्ड करेंगे, एक जो है वो पीछे गार्ड करेंगे. ओके, टू पीपल विल बी देयर, वन उस्मान बिन अफान रदिल्लाहु अन्हु एंड सेकेंड अब्दुलरहमान बिन औफ रदिल्लाहु अन्हु. उस्मान बिन अफान विल बी इन फ्रंट and Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu will be at the back. And unko strict order diya gaya tha ki koi bhi unke saath saath nahi chalega, ek aage ek piche. Uske baad unka jo camp set kiya jayega wo mountain pass pe kiya jayega. Aur in dono ko kaha gaya tha ki main entrance pe you will be guarding, yani wo dono guard karenge. Aur koi bhi allow nahi tha unke tents aur camps ke andar dakhil hone ke liye. Aur jab ye tawaf karengi तो सारे आदमियों का तवाफ बंद हो जाएगा, सिर्फ यही औरतें तवाफ करेंगी. तो सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इंतजाम है. लुक एट द स्ट्रेटजी, हाउ ही इज कवरिंग एंड क्लोजिंग ऑल द लूप होल्स. दिस इज हाउ ही यूज्ड टू थिंक, इतना प्रिकॉशंस लेते थे. ऑनरिंग अली बिन अबी तालिब रदिल्लाहु अन्हु एंड हिज चिल्ड्रन. उमर रदिल्लाहु अन्हु रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रॉफिट्स हाउस होल्ड. इन फैक्ट He radhiyallahu honored the children of the Prophet's household more than he honored his own children. जैसे हमने देखा कि उमर रदिल्लाहु जो है वो सारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहली थी, फैमिली थी, उसकी बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ऑनर करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा ऑनर करते थे. उमर रदिल्लाहु अन्हु वंस सेड
टू अल हुसैन बिन अली रदिल्लाहु अन्हु, ओ माई सन, वुड दैट यू विजिटेड अस एंड ऑनर्ड अस विद योर कंपनी. सम डेज आफ्टरवर्ड्स अल हुसैन रदिल्लाहु अन्हु टुक अप उमर्स इन्विटेशन, बट वेन ही रीच्ड उमर्स हाउस ही रदिल्लाहु अन्हु सॉ दैट उमर रदिल्लाहु अन्हु वॉज अलोन विद मुआविया रदिल्लाहु अन्हु एंड द उमर्स सन आस्क्ड परमिशन टू एंटर बट वॉज रिफ्यूज्ड एंट्री. डिस्करेज फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर अल हुसैन रदिल्लाहु अन्हु लेफ्ट विदाउट इवन नॉकिंग ऑन उमर्स डोर. Later on, upon meeting Al-Husayn radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu said, "O my son, why did not you visit us?" Al-Husayn radhiyallahu anhu said, "I did visit you when you were alone with Muawiyah radhiyallahu anhu. But when I saw Ibn Umar radhiyallahu anhu return without being granted permission to enter, I too returned from whence I came so that I would not disturb you." Umar radhiyallahu anhu said, "You have a greater right to be granted permission to enter than does Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Verily, you see this growth of hair on my head, that is because of Allah subhanahu wa ta'ala, and then because of you, because of the members of the Prophet's household." As Umar radhiyallahu anhu said this, he radhiyallahu anhu pointed to his head. Ab ek bar aisa hua ke Umar radhiyallahu anhu Hussein bin Abi Ali radhiyallahu anhu ko kaha ki tum hamare, yani aap hamare ghar pe aaiye और हमें इज्जत बख्शी है आपकी कंपनी से. तो कुछ दिनों बाद अल हुसैन रदिलानु जो है वो उमर रदिलानु की इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए उनके घर पे पहुंचे. तो जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उमर रदिलानु और मुआविया रदिलानु एक मीटिंग उनकी चल रही थी और उमर रदिलानु के बेटे जो है वो उनको एंट्री उमर रदिलानु ने ग्रांट नहीं की थी, परमिशन नहीं दी थी. तो ऐसा हुआ कि हुसैन रदिल्लाहु अब्दुल्ला इब्न उमर रदिल्लाहु से मिले और उनको पता चला कि इनको परमिशन नहीं दी गई. तो उन्होंने अज्यूम किया कि इनकी कुछ प्राइवेट मीटिंग चल रही है तो मुझे भी परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो लौट गए. अब जब वो लौट गए फिर उमर रदिल्लाहु ने उनसे पूछा कि आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा, हुसैन रदिल्लाहु ने कहा, हम आए थे बट दिस इज वॉट हैपेंड. इस पर उमर रदिल्लाहु कहते हैं कि आपको हक है, आपको राइट है, आपको परमिशन यानी डेफिनेटली आपके लिए अलाउड है, आप आ जाए अंदर. और फिर वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं आगे और उनको कह रहे हैं कि अपने सर को पॉइंट करते हुए द ग्रोथ ऑफ हेयर उसको दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड देन बिकॉज ऑफ यू मेंबर्स ऑफ द प्रॉफिट्स हाउस होल्ड. मतलब ये उनका एक तरीका कार है ये बताने के लिए. ऐसे हम लोग नहीं कहते हादरीन आपकी बोलते ना आपकी बात या आपकी जगह सर आंखों पर, इस तरीके का एक्सप्रेशन ही इससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जो है उसको सबसे ज़्यादा राइट है, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा. और वो उनको कहाँ प्लेस करते हैं, देखें कितना बड़ा ऑनर देते हैं उनको, हर लेवल पे उनको वो तरजीह देते हैं, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने आप से ज़्यादा ऊपर रखते हैं. दिस इज़ द लव, दिस इज़ द ऑनर. और ख़ास तौर से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मौजूद, वो इस दुनिया में नहीं है, बट He is taking extra care. इसके वजह से उन्होंने वो छोड़ नहीं दिया कि अभी कौन है देखने के लिए, मुझे किसको इम्प्रेस करना है. No, it was not like that. This is something that goes beyond life and death. यानी वो उन्होंने हमेशा के लिए उनको उस तरीके का ऑनर दिया है. और जब वो फिजिकली मौजूद नहीं है तो और एक्स्ट्रा केयर कंसर्न कर रहे हैं. और हम लोगों का कैसा होता है, हम सिर्फ दुनियावी लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं. अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस का बच्चा है, आपके बॉस को इम्प्रेस करने के लिए हम वो बच्चे के साथ बड़ा प्यार जता रहे हैं, वो बॉस उधर गया और हमारा सारा प्यार और लाड़ खत्म हो गया, समथिंग लाइक दैट. हम लोगों की हरकत ऐसी होती है. लेकिन इनका जो भी होता है वो दिल से होता है, वो थ्रू एंड थ्रू होता है, उसमें सच्चाई होती है, क्लैरिटी होती है और इखलास होता है. वी नीड टू डेवलप दैट. हमें जो है दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जबान पे कुछ और, अमल में कुछ और, ये नहीं चाहिए. Everything should be in sync. And when we reach there, that is where we get to the level of ikhlas then. Testing agents before appointing them. Umar radhiyallahu anhu tested his agents before appointing them. And in some cases, this testing took a long time, as was stated clear by Al-Ahnaf bin Qais, who said, I came to Umar al-Khattab radhiyallahu anhu and he kept me with him in Medina for a year. He said, O Ahnaf, I have been testing you and I have seen that you are outwardly good.
and I hope that you are as inwardly good as you are outwardly. We used to say that this nation will be destroyed by knowledgeable hypocrites. Then Umar radhiyallahu anhu asked him, do you know why I kept you here? He explained to him that he had wanted to test him. Then he made him as a governor. Umar radhiyallahu anhu jo hai, wo apne agents ko test kiya karte the. Unko appoint karne se pehle unki testing zarur karte the. Kai baar inki testing bahut zyada time leti thi. Jaise ke Al-Ahnaf bin Qais batate hain ki main Umar ibn Khattab ke paas aaya tha aur unhone mujhe Madina mein 1 saal tak rakha. 1 saal tak. And he said, ओ अहनाफ, मैं आपको टेस्ट करता रहा हूँ. मैंने देखा कि आप आउटवर्डली गुड तो बहुत अच्छे हो, यानी बाहरी आपका जो है मामलात वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर भी इसी तरीके से अच्छाई है कि नहीं. फिर वो कहते हैं कि जो नेशन है ना, वो इस तरीके से जो नॉलेजेबल मुनाफिक लोग हैं ना, उनके वजह से बर्बाद होगा. फिर उमर रदिलान उनसे कहते हैं, आपको पता है हमने आपको यहाँ पर क्यों रखा? तो अलहनाफ ने कहा, हाँ जी, टेस्ट करने के लिए और फिर उनको गवर्नर बनाने के लिए. अब चंद एडवाइस उमर इब्न खत्ताब ने, अच्छा अच्छा, चंद एडवाइस उमर इब्न खत्ताब ने अलहनाफ को दी थी. अब वो एडवाइसेस क्या थी, लेट्स point it out. इसको जरा गौर से हम लोग सुनते हैं इंशाल्लाह ताला, because these are the golden tips that we need in our lives. Okay. उन्होंने कहा, ओ अहनाफ, जो बहुत ज्यादा हंसता है वो अपनी डिग्निटी खो देता है, जो बहुत ज्यादा जोक करता है वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेट डील करता है ना, वो उसके लिए जाना जाता है, और जो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है वो गलतियां फिर करने शुरू कर देता है, और जो बहुत ज्यादा गलतियां करने शुरू कर देता है फिर वो अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी खो देता है, और जो अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी खो देता है तो वो अल्लाह का डर उसका ऑटोमेटिकली खो जाता है, और जिसका अल्लाह का डर खो जाता है तो वो रूहानी तौर से मर जाता है. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वापस हमें से समझने की कोशिश करते हैं कि जो बहुत ज्यादा हंसता है वो अपनी डिग्निटी खो देता है, जो बहुत ज्यादा जोक करता है, वन हु जोक्स टू मच लूजेस रिस्पेक्ट, जो बहुत ज्यादा जोक करता है वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, जो बहुत ज्यादा हूएवर डज समथिंग अ ग्रेट डील बिकम्स नोन फॉर इट, यानी आपकी जो स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, बहुत ज्यादा एक कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपकी वो पहचान हो जाती है, लेकिन अगर आप उस चीज को अपनी जबान से आया करते हैं, ओके, इफ यू स्पीक अबाउट योर ग्रेट डील, तो क्या होने लगेगा, आप उसमें गलतियां करने लगेंगे. जब आप गलतियां करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी डिग्निटी, सेंस ऑफ डिग्निटी खत्म होने लगेगी. जब आपकी सेंस ऑफ डिग्निटी खत्म होने लगेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके अंदर अल्लाह का डर खत्म होने लगेगा, और अगर अनौज़ बिल्ला अल्लाह का डर अगर आपके अंदर खत्म होने लगा तो आप रूहानी तौर से डेड हो गए हो, मर गए हो. आर वी क्लियर? ब्यूटिफुल एडवाइजेस फॉर लाइफ. उमर रिलेशन विद अल अब्बास एंड अब्दुल्ला बिन अब्बास. इफ उमर रदियल्लाहु अन्हु लव्ड अल अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बिकॉज ही वॉज हिज ब्रदर इन इस्लाम and because he was a close relative of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu loved Al-Abbas's son Abdullah radhiyallahu anhu for the same reasons, but for an additional reason as well. He loved and honored Abdullah radhiyallahu anhu for his profound knowledge and understanding of the Quran in particular and of Islamic law in general. Umar radhiyallahu anhu Al-Abbas radhiyallahu anhu ko mohabbat karte the. एक तो वो इस्लामी भाई थे, दूसरा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज रिश्तेदार थे, लेकिन एक और एक एडिशनल रीज़न था जिसके वजह से वो अल अब्बास रदिल्लाहु अन्हु को
बहुत पसंद करते थे, चाहते थे, वो ये था कि अल अब्बास रदिल्लाहु के पास कुरान का बहुत अच्छा फहम था, ख़ास तौर से इस्लामिक लॉ जो थे ना उसको, उसकी नॉलेज उनकी बहुत प्रोफाउंड थी, बहुत डीप थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था उमर रदिल्लाहु क्यों उनको इतना पसंद करते थे, अल अब्बास रदिल्लाहु को। उमर रदिल्लाहु वुड कन्वीन गैदरिंग्स विद मुस्लिम एल्डर्स विद दोज कंपेनियंस रदिल्लाहु who had participated in the battle of Badr. Such gatherings were exclusive in that only those who were invited had the right to attend them. Umar radhiyallahu anhu jo hai na aise gatherings organize kiya karte the, muslims jo bade buzurg muslims the wo companions ke sath jo ke jang e badr mein shamil hue the, aur sirf ye exclusive meeting hoti thi jisme sirf इन्विटेशन के इन्विटेशन जिनको हो वो ही अटेंड कर पाते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ऑफ दोज गैदरिंग्स उमर रदिल्लाहु वुड अमंग अदर थिंग्स कंसल्ट द प्रोफेट्स कंपेनियंस रदिल्लाहु अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज टू द सरप्राइज ऑफ द एलीट ग्रुप ऑफ मेनली एल्डरली कंपेनियंस हु मेड अप उमर सर्कल उमर रदिल्लाहु एडमिटेड अब्दुल्ला रदिल्लाहु इनटू देयर कंपनी। अभी वो क्या करते थे कि ये जो बड़ी एज के कंपेनियंस होते थे उनको और फ्यू सिलेक्टेड ग्रुप जो कि जंग-ए-बदर में जो सहाबाज शामिल थे उनको इंक्लूड किया हुआ था, उन्होंने उनसे सलाम मशवरा करते थे और इस ग्रुप के अंदर उन्होंने अब्दुल्ला रदिल्लाहु को भी इंक्लूड किया। द प्रॉफिट्स कंपेनियंस वर सरप्राइज नॉट बिकॉज ऑफ हु अब्दुल्ला रदिल्लाहु वॉज बट बिकॉज ऑफ हाउ यंग ही वॉज। यानी अब ये जो सहाबाज थे ये सरप्राइज हुए कि ये तो बुजुर्ग ओल्ड लोगों की जमात थी, तो अब्दुल्ला रदिल्लाहु वाज वेरी यंग, तो ये यंग आदमी को क्यों शामिल किया गया था। मैनी ऑफ देम हैड चिल्ड्रन हु वर अराउंड अब्दुल्लास एज बट नन ऑफ देम वाज अलाउड टू अटेंड दोज एक्सक्लूसिव गैदरिंग्स। अभी ये जो बुजुर्ग सहाबाज थे इनके बच्चे जो थे वो अब्दुल्ला रदिल्लाहु की एज के थे, तो ये लोग सरप्राइज थे कि इनको एक्सक्लूसिवली क्यों शामिल किया गया। दिस स्ट्रक सम ऑफ द प्रोफेट्स कंपेनियंस एज बीइंग अनफेयर एंड सो सम ऑफ देम कंप्लेंड टू उमर रदिल्लाहु व्हाई डू यू अलाउ दिस बॉय टू एंटर अपॉन अस व्हेन वी हैव चिल्ड्रन हु आर सिमिलर टू हिम इन एज। द ऑब्वियस आंसर टू देयर क्वेश्चन वॉज दैट अब्दुल्ला रदिल्लाहु वॉज मोर नॉलेजेबल देन मैनी ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ कंपेनियंस रदिल्लाहु let alone children who were of his age। अब इस पर उमर रदिल्लाहु कहते हैं कि इनकी जो नॉलेज थी ना वो ये जो दूसरे इनकी एज के लोग होंगे लड़के होंगे उससे कई गुना ज़्यादा थी, एंड दिस इज़ द रीज़न क्योंकि ये जो बड़े बुजुर्ग साहबाज थे इन्होंने तकाजा करना शुरू किया कि ये फेयर नहीं है, आप इनको अलाउ कर रहे हो हमारी जमात में आने के लिए और हमारे बच्चे जो इनकी एज के हैं उनको आपने मना किया हुआ। उस पर उमर रदिल्लाहु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी नॉलेज वो सारे लड़के जो इनकी एज के हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। हाउएवर रादर देन पॉइंट आउट दैट फैक्ट टू द प्रोफेट्स कंपेनियंस रदिल्लाहु उमर रदिल्लाहु डिसाइडेड टू आंसर देयर क्वेश्चन प्रैक्टिकली विद अ डिस्प्ले ऑफ सॉर्ट्स। सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मीटिंग उमर रदिल्लाहु सफाइज्ड विद द रिप्लाई ही इज अमंग दोज दैट यू नो अबाउट that is those that you know are people of distinction and honor and knowledge। however some days later umar radhiyallahu invited the same group of eminent companions radhiyallahu and invited abdullah bin abbas radhiyallahu as well। after everyone arrived umar radhiyallahu asked the group of venerable and knowledgeable men what do you have to say about the following verses। here radhiyallahu then proceeded to recite chapter an-nasr verses Surah 110 verses 1 to 2। Iski translation main padh deti hu। When there comes the help of Allah to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, against your enemies and the conquest of Makkah, and you see the people enter Allah's religion, Islam, in crowds। Here Umar radhiyallahu was not asking them for the literal meaning of the verses, rather he was asking them to explain to him the deeper meaning that the entire chapter signified। अभी जब इन लोगों ने ये तकाजा किया
तो उमर रदिलानहु वांटेड टू प्रूव देम कि इन्होंने क्यों अब्दुल्ला रदिलानहु को एक्सक्लूसिवली इस गैदरिंग में रखा बेस्ड ऑन हिज इमेंस नॉलेज. तो उन्होंने इन लोगों को दोबारा से इनवाइट किया और फिर सूरह नसर की पहली दो आयत को रिसाइट किया और उनसे पूछा कि इसके बारे में बताएं. सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, लिटरल मीनिंग के हिसाब से नहीं, बल्कि डीपर मीनिंग क्या है इसका. तो सम ऑफ देम रिप्लाइड वी डू नॉट नो व्हाइल अदर्स अमंग देम गेव नो रिप्लाई एट ऑल. तो चंद ने कहा हमें आता नहीं, चंद ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे. द रीडर वुड डू वेल टू रिमेंबर दैट दीज वर द मोस्ट एमिनेंट ऑफ द प्रोफेट्स कंपेनियंस रदियल्लाहु अन्हु. देयरफॉर इफ दे डिड नॉट नो द आंसर वन कैन बी सर्टन दैट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब ये आप सोच लीजिए कि ये खास सहाबाज थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराउंड रहते थे. अब इनको अगर इन बेसिक छोटी सूरह की आयतें हैं इसके मानी इनको नहीं पता, तो फिर यानी किसको पता होगी. ये हमें बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने किया था उनसे वो डिफिकल्ट था, बिकॉज जिसको हम समझ रहे हैं कि छोटी सूरह है बेसिक आयत है उनको नहीं मिली वो इंफॉर्मेशन. तो ये एक्चुअली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था. जब सबको चांस दिया गया था तो उमर रदियल्लाहु अन्हु फिर सबसे यंगेस्ट मेंबर यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को एड्रेस करते हैं. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, ओ सन ऑफ अल अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, इज दैट व्हाट यू से आल्सो. इन अदर वर्ड्स, डू यू आल्सो हैव नथिंग टू से इन रिप्लाई टू माय क्वेश्चन. अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु रिप्लाइड, नो. उमर रदियल्लाहु अन्हु आस्क्ड, देन व्हाट डू यू से अबाउट दिस वर्सेस. उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपके पास भी कोई जवाब है या आप भी खामोश रहना चाहते हैं, ये मेरे सवाल का कोई जवाब है. तो ही सेड नो, ही वांट्स टू आंसर इट, ही वांट्स टू अटेम्प्ट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु रिप्लाइड, थ्रू दीज वर्सेज अल्लाह सुबहाना ताला वाज इन्फॉर्मिंग द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द नियरनेस ऑफ हिज डेथ. व्हेन अल्लाह सुबहाना ताला सेड, when there comes the help of Allah to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, against your enemies and the conquest of Makkah, and you see the people enter Allah's religion Islam in crowds, it was as if he sallallahu alaihi wasallam was saying the following to the prophet sallallahu alaihi wasallam, when Allah's help comes to you in the form of the conquest of Makkah, then that is a sign of your imminent death. ye jo barik point tha ye wo बुजुर्ग साहबाज या एमिनेंट साहबाज या एलीट ग्रुप नहीं क्रैक कर पाए, लेकिन वो जो यंगेस्ट मेंबर थे अब्दुल्ला रदिलानहु, उन्होंने क्लियरली बताया कि ये आयतों में जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंट दे रहे हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो रहा है और आप अपने अल्लाह की मदद आ रही है अगेंस्ट योर एनिमीज और इस्लाम के फोल्ड के अंदर क्राउड्स दाखिल हो रहे हैं, तो ये क्या किस तरफ का इशारा है कि आपका मिशन एकम्प्लिश्ड हो गया है एंड नाउ डेथ इज नियर. तो ये नुक्ता अब्दुल्ला रदिलानहु ने एक्सप्लेन किया. उमर रदिलानहु देन सेड टू अब्दुल्ला रदिलानहु, व्हाट आई नो रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज नॉट एनी डिफरेंट देन व्हाट यू नो रिगार्डिंग इट, रिगार्डिंग इट्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन. अगेन इसी बात के ऊपर ही हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं कि जो बंदा जिस ओहदे को डिजर्व करता है, irrespective of the age, irrespective of the religion, irrespective of his piety, usko fauqiyat di jayegi. And that is what has happened here also. Abdullah radhiyallahu anhu was young in comparison to those buzurg sahabas, lekin unki knowledge, unki interpretation of the Quran, laws ko samajhna, ye bariki intricacy unki behtar thi as compared to others. That is why he was included in that jamaat. So this is something where we will end our today's session. If there is any questions or doubt, you can ask now. If it's not there, then subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.